जनता हाय हाय जी जनता हाय हाय चलेगी नहीं चलेगी आजादी नहीं चलेगी। मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक जयंत पाटिल निलंबन की कार्रवाई के लिए बोरीवली स्टेशन के पास एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक जयंत पाटिल ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है। विधानसभा सत्र में जयंत पाटिल के निलंबन की कार्रवाई शिंदे फडणवीस सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया है। इस बीच एनसीपी कार्यकर्ताओं ने निलंबन वापस लेने की मांग की है। आंदोलनकर्ताओं का आरोप है कि जयंत पाटिल का निलंबन गलत तरीके से किया गया है। अगर जयंत पाटिल का निलंबन वापस नहीं लिया गया तो पूरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता जोरदार विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये जो निलंबन है हम इसका निषेध करते हैं और निलंबन जो है असंवैधानिक है और इसमें जयंत पाटिल साहब जो भास्कर जाधव साहब कुछ बोलना चाह रहे थे तो उनको मौका नहीं दिया गया और सभी आमदार जो विरोधी पक्ष के नेता के वो वेल में आए और उन्होंने अध्यक्ष महोदय से विनती की कि हमें बोलने दिया जाए। इस पे जो है ईडी सरकार जो है जो सत्तारूढ़ सरकार है ये लोग ये गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर उन्होंने इस तरह का माहौल किया कि पूरा हाउस डिस्टर्ब हो गया। वो अपने अपने बैठे हुए थे, उनका माइक भी बंद था, उनका कोई भी उद्देश्य माननीय अध्यक्ष महोदय को बोलने का नहीं था और जयंत पाटिल साहब एक अभ्यासु नेता हैं तो कभी भी ऐसा बोल नहीं सकते। अभी तो हम रास्ते पे उतरे, हमारे साथ में शिवसेना और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी रास्ते पे आएगी और घर घर तक हम लोग जाएंगे और ये निलंबन वापस करने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे।